थोड़ा पीछे आओ ना, और पीछे चलो, और पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, बैठ ही जाओ ना। कितना ठीक है भाई? हाँ बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं परफेक्ट है। हाँ बिल्कुल सबका सोचते हैं, सबके सबके होने चाहिए हिंदुस्तान में, सबकी जगह सबका चाहते। ओके भाई सर।
फ्रेम जाने दो, फ्रेम निकाल दो भाई, सामने पाजी पाजी इतने गणपति अप्पा मोरिया सर, आज नए घर में गणपति स्थापित किए हैं, कितने एक्साइटेड हैं और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बप्पा, यू नो हमेशा ही जब से मुंबई में शुरुआत हुई है तब से लेके आज तक हमेशा बप्पा मार्गदर्शन करते आए हैं और नए घर में बप्पा का आगमन हुआ है। सो आई होप कि जैसा आशीर्वाद इतने सालों से बना के रखा है वैसे ही बना रहे और बप्पा हमेशा गाइड करते रहे जिस रास्ते पर चले। क्या बात है, हर साल की तरह इस साल क्या कुछ विशेष रही है आपका? बताना चाहेंगे नए घर में आ गए हैं और क्या वही है कि लोगों से जुड़े रहे जो बप्पा करवा रहे हैं लोगों के लिए वो करवाता रहूं, और इस बार इस साल फतेह भी आ रही है तो वो एक बड़ी स्पेशल सफ़र रहेगा। तो बप्पा से यही कहूंगा कि फतेह की फतेह ज़रूर हो, और जब जनवरी में आए तो अगले साल जब हम वापस हमारी मुलाकात हो अगले साल जब हमारी वापस मुलाकात हो तो उस समय में भी हम लोग अगली फतेह टू की तैयारी कर रहे हूँ। क्या बात है सर, ये भी जानना चाहूंगे जिस तरीके मैंने एंट्री से लेके स्थापना तक देखा बच्चे भी काफी ज्यादा सपोर्टिव थे और एक एक चीजें रखे, उनका किस तरीके का मूवमेंट रहा इसमें? नो, मैं कहूंगा कि हमेशा पापा को जब भी घर पे लेके आते हैं एक अलग तरह की एक्साइटमेंट रहती है, और इतने सालों से हम लोगों ने भी मेड श्योर की पापा के समय सिर्फ बप्पा का ही समय होना चाहिए, उस समय ट्रैवलिंग ना हो, शूटिंग्स ना हो, और हमेशा ऐसा होता रहा है इतने सालों से, 23 सालों से ऐसे होता रहा है, और सबकी घर में बहुत एक्साइटमेंट रहती है, इनफैक्ट बच्चों की भी उतनी एक्साइटमेंट रहती है, और अच्छी बात यह है कि अभी वो भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगे। कितने दिन के लिए पापा को स्थापना किया गया है? हम लोग 5 दिन के लिए होते हैं पापा। या कोई फेवरेट आपका गणपति का कोई नारा या कोई गाना आप बता सकते? मुझे लगता है कि गणपति की आरती जो जय गणेश है वो सबकी हमारी फेवरेट है, और जितनी हमने अगर हम फिल्म्स की बात करें जिस दुनिया को हम लोग बिलोंग करते हैं, सो मुझे बचपन से जो टक्कर फिल्म आई थी बड़े साल पहले, पता नहीं कितने लोग भी जानते हैं, उसके अंदर एक गाना था जो बड़ा फेवरेट है कि बप्पा के ऊपर ही था, पर मैं हमेशा एक चीज़ देखी है कि बप्पा की ब्लेसिंग जिस भी फिल्म में होती है गाने की हमेशा वो हिट ही होती है, ब्लॉकबस्टर होती है। सो आई फील कि बप्पा जिस फिल्म में चरण रखते हैं जिस घर में चरण रखते हैं हमेशा उसमें बरकत होती है। सर जैसे कि पप्पा जब भी घर में आते हैं तो हमारे करीबी रिलेटिव एंड फ्रेंड भी इनवाइटेड रहते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे उन कौन बॉलीवुड से गुड बुक में लिस्ट है? देखियो आप सब लोग हो, आपसे बेहतर कोई दोस्त नहीं है, आप लोग हमेशा आते हो, हमेशा इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनते हो। सो वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, सबको दिल से बहुत पप्पा की तरफ से बहुत बहुत दुआएं मिले आप सबको, और आप ही परिवार हो, और जब भी आप आते हो हमेशा खुशियां लेकर ही आते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।